Where are you? Nigeria. Nigeria. बेहुदा और इतना असभ्य व्यक्ति था जिला कारागार में इस समय पे। तो साथियों, यहाँ से पैसे का जो घपला होता था वो तो बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ घपला चलता है। जान पहचान वाले व्यक्ति हैं, अपनी जल्दी पर्चियां बनवा लेते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? मुझे लगता है कि आप मस्त और तंदुरुस्त होंगे, आपका परिवार मंगलमय होगा, आपके परिवार में सुख समृद्धि होगी। इसी आशा के साथ मैं आज की ब्लॉगिंग प्रारंभ करता हूं। तो साथियों, एक खुशी है मेरे अंदर और एक गम है। मुझे लगता है कि मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊं आपको। साथियों, खुशी इस बात की है कि मैं एक अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूं, और गम इस बात का है कि मेरा दोस्त आज उस मुसीबत में फंस चुका है। साथियों, ऐसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो मेरा मानना ये है कि आपका जितना भी जीवन मिला हुआ है, आपको जितना जीवन मिला है उसे हंसते खेलते और मुस्कुराते हुए बिताइए, क्योंकि पता नहीं है किसी को कि बुरा वक्त किसके साथ आ जाए पता। और हमारा बहुत ही ज़्यादा वो क्लोजी दोस्त रहा है, लेकिन गम की बात साथ ही साथ ये है कि साथियों, हम उस जगह पर मिलने के लिए जा रहे हैं जहाँ को बहुत कष्ट होता है, दुख होता है साथियों, लेकिन क्या कर सकते हैं, वक्त जब कहर बरपाता है तो हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है, किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। तो ईश्वर ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो और किसी कारणवश एक ऐसी घटना घटित हुई जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते। पेड़ दोस्तों, तो हमारे साथ ये भाई हैं। आप हिंदी बोलने से थोड़ा सा, जैसे आप कहाँ से? इंग्लिश बोली। वेयर आर यू? नाइजीरिया। नाइजीरिया के भाई हमारे साथ, जो हमारे भाई हैं नाइजीरिया से, हम जिला कारागार में आए थे। तो ये भाई से मुलाकात हुई। भाई आप मिलने आए कुछ मीटिंग करने? भाई ये ब्रो है। हाँ, तो ये अपने ब्रो से मिला है, सुलेमान ब्रो है। तो साथियों, कैसा लगा इनसे मुलाकात करके, आप देखिए बताइए हमें। जिला कारागार में इस समय पे, तो साथियों यहाँ से पैसे का जो घपला होता था वो तो बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ घपला चलता है। जान पहचान वाले व्यक्ति हैं, अपनी जल्दी पर्चियां बनवा लेते हैं, क्योंकि मैं भी लगभग 8:30 बजे से यहाँ पे लगा हुआ हूँ, लेकिन पर्ची अब तक बनने का नाम नहीं है। चार लाइनें लारी यानी चार पीढ़ियाँ मेरे साथ से समाप्त हो चुकी हैं। और देखिए पर्चियाँ बट रही हैं, अभी जो मिलने वाले हैं लोग हैं अपने परिवारजनों से, उनकी पर्चियाँ बट रही हैं, लेकिन अभी 11:30 बज चुके हैं। और वो बंदे जो पर्ची बना रहे थे छोड़ के चले गए हैं, और उनसे कहा कि भाई आपने 8:30 बजे से हमें यहाँ पे रख चुके हैं, लेकिन आप पर्ची क्यों नहीं बना रहे? तो वो कह रहे हैं कि हम अभी आ रहे हैं। तो साथियों, अभी भी घपला चल रहा है। अब ये जिला कारागार की तस्वीर है, मैं आपको भीड़ दिखा सकता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, मैं जेल से आ चुका हूँ और एक अपने दोस्त से नहीं मिल सका, क्योंकि वहाँ एक हेड बना रखा था जो पर्ची बनाता था जेल में मिलने के लिए, जो पर्ची बनाता था जिसका नाम था कन्हैया। वो इतना बेहुदा और इतना असभ्य व्यक्ति था कि जितने भी सिफारिश करता उसके पास लेकर के लोगों को आते थे कि जितने भी लोग सिफारिश लेकर के उसके पास आते थे उनकी पर्चियां बनाता था। चार बार मैं लाइन में लगा और चारों बार कहा कि आप इंतजार कीजिए, आपका नंबर आएगा, लेकिन मेरा नंबर नहीं मिलाया। साथियों, आखिरकार समझ नहीं आता है कि ये भ्रष्टाचार क्यों फैल रहा है। हालांकि मैंने अधिकारियों से भी वार्तालाप की इस विषय में, मैं जेलर से भी मिलने का प्रयास करना चाहा कि उनसे मुलाकात हो जाए तो इनकी शिकायत की जाए, और वहां के कुछ बड़े अधिकारी भी थे उनसे भी मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन फोन पर बातें हुई। मैंने कहा सर मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, मैंने अपने दोस्त से मिलना चाहा, लेकिन मैंने उन लोगों से कहा सर मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन इन लोगों ने मिलने नहीं दिया। और जिसकी सिफारिश है उसका काम कर रहे हैं ये लोग। लगभग 9:30 बजे से मैं लाइन में लगा हुआ हूँ और चार लाइनें बदल गईं।
यानी कि 4 बार बहुत लंबी लंबी लाइनें बदल गई, लेकिन मेरा नंबर नहीं लिया और मैंने अंततः शिकायत करने की ठानी और मैंने कहा कि मैं जेलर साहब से मिलना चाहता हूँ। वहाँ के इंस्पेक्टर बहुत सारे लोग थे, उनसे कहा कि मैं जेलर साहब से मिलना चाहता हूँ, तो वो बोले कि 2 बजे के बाद मिलना। मैंने 2 बजे तक इंतजार भी किया, लेकिन लाख यत्न किए फिर भी जेलर साहब से नहीं मिलने दिया। हालांकि एक हमारे बड़े भाई हैं जो अच्छे पद पर तैनात हैं, पुलिस विभाग में अच्छे पद पर तैनात हैं, उनसे वार्तालाप की, उन्होंने किसी का नंबर दिया और मैंने उनसे बातें भी की। उन्होंने कहा कि वो बड़े अधिकारी थे जेल में, उन्होंने कहा कि सर मिलने तो दे देते लेकिन गाइडलाइन के खिलाफ है, सॉरी सर, अगर आप पर्ची बना करके लाते तो शायद हम आपको मिलने देते। अभी आपको पहले बताना चाहिए था कि ये समस्या है तो शायद हम कुछ कर सकते थे, लेकिन अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, सॉरी। तो बात तो उनकी ठीक थी, लेकिन मेरे हद तक ये समझ नहीं आया कि ये आखिर व्यवस्था कब बदलेगी। योगी बाबा एक तरफ बिल्डोजर चलाते हैं, कभी बिल्डोजर चलाने का काम इन्होंने अधिकारियों पर किया है जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, कभी बिल्डोजर चलाने का काम उन्होंने उन नेताओं पर किया है जो भ्रष्ट हैं, लेकिन नहीं किया होगा। ये जो बिल्डोजर चलाते हैं, हालांकि चलाते तो बिल्डोजर उन्हीं लोगों पर हैं जो अत्याचार करते हैं, जो शोषण करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन उन पर बिल्डोजर क्यों नहीं चलाते जो उनकी ही पार्टी में हो या उनसे अलग पार्टी में हो लेकिन भ्रष्ट हो, उन पर क्यों नहीं चलाते, नेताओं पर बिल्डोजर क्यों नहीं चलाते। तो साथियों ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। सुबह से गया हुआ था जेल में, बड़ी खुशी थी कि दोस्त से मिलूंगा लेकिन नहीं मिल पाया, अफसोस, मुझे कष्ट है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।